सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतराल से पाठ 4 अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में से आप सबके सामने पेश है और इस पाठ से संबंधित हम लेखक के विषय में जानकारी लेंगे। लेखक का नाम है प्रभाष जोशी। इनका जन्म हुआ था 1937 में और मृत्यु हुई 2009 में। प्रभाष जोशी का जन्म इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य यानी उनके साथ में रहकर ही की। तो प्रभाष जोशी जी जो हैं, जिनका जन्म इंदौर में हुआ, उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत नई दुनिया के संपादक यानी नई दुनिया जो पत्रिका है उस के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत की थी, जिसके संपादक जो थे वो राजेंद्र माथुर थे। उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत इसमें की और उनसे पत्रकारिता के संस्कार लिए। संस्कार लिए मतलब पत्रकारिता से संबंधित जो भी जानकारी जरूरी थी या फिर किसी भी तरीके की ट्रेनिंग जो जरूरी होती है पत्रकारिता को समझने के लिए, वो सब उन्होंने उनके संपादक नई दुनिया के सब जो संपादक थे राजेंद्र माथुर से ली थी। इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद चंडीगढ़ संस्करणों का संपादन, प्रजापति का संपादन और सर्वोदय संदेश में संपादन सहयोग किया। तो जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि उन्होंने पत्रकारिता में जो है वो नई दुनिया के संपादक राजेंद्र माथुर से उस पत्रकारिता से संबंधित सभी संस्कार लिए थे, तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता से संबंधित उनके लेख भी जो हैं और संपादन भी हमें देखने को मिले। 1983 में उनके संपादन में जनसत्ता अखबार निकला, जिसने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के आदर्शों में यकीन रखने वाले प्रभाष जी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। जो प्रभाष जोशी जी जो हैं वो गांधीवादी विचार में विनोबा के और जयप्रकाश के जो आदर्श हैं यानी उनसे उनकी जो अपनी एक व्यक्तिगत सोच है जो उनके आदर्श के रूप में उनको पेश करती है, प्रभाष जोशी जी तो हैं उसमें यकीन करते हैं और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा। वे जनसत्ता में नियमित स्तंभ भी लिखा करते थे यानी एक आर्टिकल जो है जनसत्ता में प्रभाष जोशी का भी जो है वो नियमित रूप से आया करता था। कागद कारे नाम से उनके लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ यानी इन्होंने जितने भी लेख लिखे हैं उन सबका एक संग्रह है जिसका नाम है कागद कारे। सन 2005 में जनसत्ता में लिखे लेखों संपादकीयों का चयन हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। प्रभाष जी में मालवा की मिट्टी के संस्कार गहरे तक बसे थे और वे इसी से ताकत पाते थे यानी जो प्रभाष जी जो हैं वो मालवा की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उसी के संस्कार जो हैं उनमें गहरे से बसे हुए हैं और वो इसी से ताकत भी पाते थे। देशज भाषा के शब्दों को उन्होंने मुख्य धारा में लाकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया और उसे अनुवाद की कृत्रिम यानी बनावटी भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास किया। यानी उनके लेखों में भाषा का ऐसा प्रभाव दिखता है जो देशज भाषा के रूप में सामने आता है और जो बनावटी भाषा है उससे हटकर आम बोलचाल की जो भाषा है वो लोगों के सामने लाने का उन्होंने बेहतर प्रयास किए हैं। प्रभाष जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों पर गंभीर लेखन की नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन, इन विषयों पर उनका लेखन मर्मस्पर्शी है। तो इस तरीके से जो आधारिक रूप से अगर हम देखें तो जो प्रभाष जोशी जी जो हैं उनका लेख मुख्य रूप से वो पत्रकारिता से ही संबंधित है। उन्होंने पत्रकारिता से संबंधित ही अपने कई संस्कार ग्रहण किए। नई दुनिया के जो संपादक थे माथुर जी, उनसे उन्होंने पत्रकारिता से संबंधित सारी जानकारियाँ ली थी और इसी में आगे चलकर उन्होंने किस तरीके से जनसत्ता जो अखबार है उसमें भी अपने लेख को प्रस्तुत किया और अपनी भाषा के माध्यम से लोगों को बनावटी भाषा से परे और जो आम बोलचाल की भाषा है जो आम जीवन में लोग आपस में एक दूसरे से बोलते हैं उससे परिचय कराया और उससे उनको जोड़कर रखने में सक्षम हो सके। पाठ 4 अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में से संबंधित
पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में एक संक्षिप्त जानकारी है जो कि हमें ये बताता है कि पाठ में किस विषय की चर्चा की गई है। तो उस संक्षिप्त वर्णन को एक बार यहाँ समझ लेते हैं। चौथा पाठ अपना मालवा समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित प्रभाष जोशी के एक आलेख की प्रस्तुति है। जैसा कि हमने उनके जीवन परिचय में पढ़ लिया है कि उन्होंने पत्रकारिता से संबंधित जानकारी लेकर माथुर साहब से, जो नई दुनिया के संपादक थे, उनसे उन्होंने जब पत्रकारिता से संबंधित जानकारियां ली, तो उन्होंने अपना जो लेख है, लेखन लिखने की जो शैली है और जो उनका एक कौशल है, उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के सामने लाया। और जनसत्ता अखबार से वो किस तरीके से जुड़े थे उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो जो ये चौथा पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये जनसत्ता समाचार पत्र से ही संबंधित है क्योंकि इसी में उस आलेख को उन्होंने प्रस्तुत किया था जिसमें मालवा क्षेत्र का जनजीवन मुखर होकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो एक मालवा क्षेत्र है जिसके विषय की चर्चा इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत की है, वहाँ के जनजीवन की, वहाँ के लोगों के जीवन की और जीवन शैली की चर्चा उन्होंने मुख्य रूप से की है और वही सामने आया है उस पाठ के जरिए। यह पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए है। मालवा क्षेत्र को केंद्र में रखकर जब उन्होंने इस पाठ के माध्यम से मालवा की जानकारी दी, तो मालवा के माध्यम से ही जल और पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उन्होंने उसके माध्यम से मालवा क्षेत्र की जानकारी देने के माध्यम से उसको भी केंद्र में रखकर लोगों को उसके विषय में जानकारी दी है। कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, उसका प्रभावशाली चित्र इस पाठ में है। साथ ही यह पाठ उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रहार करता है जिसके चलते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता यानी पहचान नष्ट हो रही है। यहाँ पर लेखक ने इस पाठ में मालवा क्षेत्र का जो जीवन है और वहाँ के जो लोग हैं, किस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी उस मालवा क्षेत्र के जनजीवन को बनाए रखने में सक्षम करते हैं अपने आप को, ये दिखाने के साथ साथ ही जो शहरी जीवन है, जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के साथ जी रहा है, विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका बुरा पक्ष भी सामने लाया है, जिसके कारण जो ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र हैं, किस तरीके से उनकी अपनी पहचान खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पर जो पाठ में मालवा क्षेत्र की जानकारी लेखक ने दी है, उसकी पर्यावरण संबंधी जानकारी देते हुए और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए और प्रौद्योगिकी और तकनीकी की वजह से शहरी जीवन के कारण जो गांव हैं और जो कस्बाई क्षेत्र हैं, उसकी अस्मिता पे किस प्रकार का नुकसान पहुंच रहा है, उसके बारे में इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा, जिसे अगले भाग में पाठ के माध्यम से हम समझेंगे।